तो अनेबल टू स्टैंड, खड़े होने में लवारा खड़ा नहीं हो पाता। लवारा खड़ा नहीं हो पाता है, लवारा मतलब काफ। ये काफ आपका बफेलो काफ भी हो सकता है और कैटल काफ भी हो सकता है, काऊ काफ भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या ये बफेलो काफ में रहती है। भैंस का लवारा, भैंस का लवारा ये सब कुछ करता है, सब कुछ करता है, खाएगा पिएगा, खड़ा कर दोगे तो खड़ा हो जाएगा और सब कुछ करेगा। एक ने अभी और पूछा कि हाइपोमैग्नीशिया में, मैग्नीशिया में मैंने ट्रीटमेंट किया था सर, खाना पीना तो सही हो रहा है लेकिन वो वजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उन सबके लिए बताऊंगा मैं आपको कि आपको कैसे क्या करना है। सिम्टम्स क्या आएंगे इसके, अनेबल टू स्टैंड, जैसे नाम से प्रतीत होता है, भैंस और गाय के लवारों या बच्चों में ना उठने का रोग। बनिए सेंटेंस, भैंस और गाय के लवारों या बच्चों में, लवारों में ना उठने का रोग, उठ नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते, अगर उन्हें उठाओगे तो उठ जाएंगे नहीं तो उठ नहीं पाएंगे। फिर इसमें ना उठने का रोग, अनेबल टू स्टैंड, इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे, लवारा चारा खाता है, चारा खाता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं चारे में, दूर से देखने पर बीमार या रोगी नहीं लगता है। दूर से अगर आप देखोगे तो ना बीमार लगेगा ना रोगी लगेगा, दूर से देखने पर ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ठीक ठाक है। बार बार उठने का प्रयास करेगा लेकिन उठ नहीं पाएगा, उठा नहीं जाएगा, उठने का प्रयास करेगा लेकिन उठा नहीं पाएगा, यही बीमारी है। ये कितने एज के में होती है, दो से चार महीने के लवार में। मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि आसानी से ठीक नहीं होते एक बार लवार बैठ जाए, लेकिन आज मैं फिर बता रहा हूं अगर आपने ऐसा किया तो फिर ठीक भी कर पाएंगे आप। अब आपको इसको ट्राई करना है जो मैं नया फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। 150 हुए लोग नहीं, भैंस और गाय के लवारों में ना उठने का रोग, ये हेडिंग हो गया इसका, ना उठने का, खड़े नहीं हो पाते, उठने का मतलब खड़ा नहीं, खड़ा होना, ये हो गया, ये इसके सिम्टम्स हो गए। लवारा चारा खाता है, दूर से देखने में बीमार रोगी नहीं लगता है, बीमार या रोगी नहीं लगता है, उठने का प्रयास करेगा लेकिन उठ नहीं पाएगा, ये लक्षण इसके देसी तौर पर आएंगे। और क्या मिलेगा इसमें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, सब कुछ नॉर्मल मिलेगा इसमें, सब कुछ नॉर्मल, जिसके पीछे वाला ये पल्स, टेम्परेचर, रूमिनेशन, सब कुछ नॉर्मल है, अब बीमार है ही नहीं, तो वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से ये खड़ा नहीं हो पा रहा, वो मैं बताऊंगा आपको। तो दो तीन फैक्टर मिलेंगे, आपका
लवारा हाइपो मैग्नीशिया में आया और हाइपो मैग्नीशिया में उनका ट्रीटमेंट किया। दो तीन दिन तो ठीक रहा, उसके बाद वो चारा वारा तो खाने लगे लेकिन खड़ा नहीं हुआ। एक तो फैक्टर ये आएगा, एक आगा इक्टो इंडो पैरासाइट उसको हुए और वो खत्म हो गए, ब्लड लॉस हो गया, आपको दिखाई देता खाना पीना सही खाता है। एक होता है विटामिन बी वन की कमी हो जाना, तब ये लक्षण आते। लवारों में कॉमन है विटामिन बी, ये आसानी से बनता नहीं है, बाहर से आपको देना है। इसका परफेक्ट ट्रीटमेंट मैंने लिख दिया है, आपको लिखवा दिया है, ट्रीटमेंट ऑफ अनेबल टू स्टैंड इन काफ, मतलब उपचार है ऐसे लवारे का, ऐसे लवारों का जो खड़े नहीं हो पाते हैं। इंजेक्शन विटामिन बी वन 5 ml, डेक्सोना 3 ml, मैनिटॉल 100 to 200 ml, ओडी नीरोकाइन प्लस 3 ml 5 days IV, और विटामिन बी वन वेरीविन, विटामिन बी वन ये किस नाम से आता है कोई बता देगा? वेरीविन नाम से आता है। इसका नाम क्या है? VERVIN, इंजेक्शन वेरिनिल वेरीविन। ये इंजेक्शन है, इस नाम से आता है। विटामिन बी वन मार्केट में किस नाम से मिलेगा? इस नाम से मिलेगा, ठीक है। ये नाम लिखा है, डोज है ये 5 ml, ये भी बीडी है, ओडी, सब ओडी देना आपको, डेक्सोना भी ओडी देना है, आई भी देना है, इसको ओडी देना है, इसको ओडी देना है, इसको इंट्रामस्कुलर देना है IM, और आपको ये आई भी देना है 5 दिन। ये सारा ट्रीटमेंट आप जो 5 दिन करेंगे, 5 से 7 दिन करना है, 5 दिन में रिजल्ट आ जाए तो इसे छोड़ देना है, 7 दिन में तो रिजल्ट आ ही जाएगा। जिस तरीके से हाइपो मैग्नीशिया में रिजल्ट आता है, ठीक उसी तरीके से इस बीमारी में रिजल्ट आएगा इस इलाज से। अनेबल टू स्टैंड का ट्रीटमेंट, उसका सिम्टम्स की बात नहीं कर रहे हम, ये कैसे पहचानोगे डायग्नोसिस कि ये खड़ा होने में असमर्थ ड्यू टू द फ्रैक्चर तो नहीं है? अगर फ्रैक्चर होगा हिप जॉइंट का, टांग का, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये फ्रैक्चर की वजह से खड़ा नहीं हो पा रहा है, या ये विटामिन बी वन की वजह से कम खड़ा नहीं हो पा रहा है, या बीमारी कैसे का? कैसे पहचानोगे? नर्वन साइन देगा और ऊपर नाड़ कर लेगा, लेटा होगा, कोशिश करेगा, उठ नहीं पाएगा। ठीक है, आज उस सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं, जो सवाल आज हम्बल रिक्वेस्ट की गई है मुझसे कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताइए। कोई लवारा खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा, तो ये कैसे पता लगाओगे कि ये केस फ्रैक्चर का है, ये हाइपोमैग्नीशिमिया का है, या अनेबल टू स्टैंड का है? कैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस, विभिन्न बीमारियों से लवारे को कैसे पहचाने? अभी तुम्हारे गाल के नीचे एक मैं चाटा मार दूंगा, जितने भी ऑफलाइन के स्टूडेंट है तो आपको पता चल जाएगा। जैसा मैंने अभी पढ़ाया कि इस लवारे को खड़ा कर दोगे तो खड़ा चलता फिरता रहेगा, अगर ये फ्रैक्चर का होगा तो खड़ा करने पे खड़ा ही नहीं हो पाएगा, अगर खड़ा हो जाएगा तो चल ही नहीं पाएगा, इसका मतलब ये है कि इसको फ्रैक्चर नहीं है। अगर फ्रैक्चर है तो खड़ा नहीं होगा। अब हाइपो मैग्नीशिमिया में और अनेबल टू स्टैंड में कैसे पहचानोगे? लेट जाएगा, पीछे कर लेगा, करंट नहीं होगा, उठने की कोशिश नहीं करेगा। अगर उठने की कोशिश करेगा तो वो अनेबल टू स्टैंड है। डाउनर काउ सिंड्रोम और अनेबल टू स्टैंड लवारे में क्या डिफरेंस है? डाउनर काउ सिंड्रोम, चलिए आज बहुत बड़ी चीज मैं बता दूंगा, मुझे लग रहा था मैं शायद पढ़ा नहीं पाऊंगा आज, लेकिन पता नहीं कहां से एनर्जी आ जाती है, जैसे ही मैं अपने स्टूडेंट्स के सामने आता हूं एनर्जी बढ़ जाती है। मैंने अभी डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया अनेबल टू स्टैंड और डाउनर काउ सिंड्रोम में, कोई बता सकता है क्या पशु डाउनर काउ सिंड्रोम में खाता भी है, उठने की कोशिश भी करता है,
चारा भी खाता है, सब कुछ नॉर्मल होता है जैसे लवारे में होता है, फिर क्या डिफरेंट क्या है? अनेबल टू स्टैंड में और डाउनर काउ सिंड्रोम में क्या फर्क है, कैसे डिफरेंशिएट करोगे? जैसे आपने बताया उसको खड़ा कर देंगे खड़ा हो जाएगा, उसको खड़ा करेंगे तो खड़ा नहीं उसमें। वेरी गुड। जब गाय को आप खड़ा करोगे जेसीबी मशीन से करोगे तो वेट वियर नहीं करेगी, वेट नहीं लेगी टांगों पर, टांगे लिथार्जिक ढीली कर देगी। जब कोई लवारा अगर कोई गाय अगर कोई भैंस को खड़ा किया जाता है और पूरा आप खड़ा कर दें और उसके बाद वो छोड़ दे, सच छोड़ दे, दैट इज डाउनर काउ सिंड्रोम। बिल्कुल वजन नहीं लेगी। इसमें क्या था कि अगर खड़ा कर दिया तो बिल्कुल नॉर्मल दिन भर चल जाए, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, अनेबल टू स्टैंड। ये बड़े गायों में भी हो जाता है, खड़ा कर दी गाय को स्टार्ट कर दी नंबर स्टार्ट रहती है, तो उसको डाउनर काउ सिंड्रोम से ना जोड़ा जाए। जब हम एक एक चीज करके आपको पढ़ाते हैं तो पढ़ाने का उद्देश्य हमारा ये है कि आप अच्छी तरीके से देख लें।